हे गाइस, वेलकम बैक टू कुक एंड बेक विद रश्मि। तो चलिए, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ एक बहुत ही हेल्दी सी रेसिपी, जो कि है ग्लूटेन फ्री एंड शुगर फ्री बाजरे के लड्डू। ये बहुत ज़्यादा हेल्दी है और आप इस फेस्टिव सीजन इसे विदाउट एनी रिग्रेट एंजॉय कर सकते हैं। इससे ना तो आपका वेट बढ़ेगा और जो डायबिटिक पेशेंट है उनके लिए भी ये बहुत ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है। और आप देख सकते हैं कि ये कितने सॉफ्ट और टेस्ट में भी ये बहुत ही टेस्टी रहते हैं और ये काफ़ी फिलिंग भी रहता है। सो चलिए झटपट इसकी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पे मैंने ले लिया है 2 कप बाजरे का आटा। ये मैंने घर पे ही बाजरे का आटा पीस के लिया हुआ है और इसे वेट में मेजर करने जाए तो ये 1/2 kg है, 500 ग्राम। सो इसे हमें सबसे पहले बहुत ही स्लो आंच पे रोस्ट कर लेना है अच्छी तरीके से। बस इसी टाइम पे हमें सबसे ज़्यादा टाइम लगने वाला है, ये अराउंड 30 मिनट्स के आसपास ये टाइम ले लेगा, जब ये अच्छे से धीमी धीमी इसकी खुशबू आने लग जाए और इसका हल्का सा कलर चेंज हो जाएगा, तभी आप समझ जाइए कि जो आटा है वो अच्छी तरीके से रोस्ट हो चुका है। सो आफ्टर 30 मिनट्स ऑलमोस्ट ये रोस्ट हो चुका है अच्छे से। मैंने यहाँ पे एक बाउल में इसे साइड में निकाल लिया है। अभी इसी सेम कढ़ाई में हम यहाँ पे डालेंगे डेसिकेटेड ड्राई कोकोनट। सो यहाँ पे मैंने 1 कप लिया हुआ है, यानी कि 250 ग्राम है ये मेजर में। इसे भी हम हल्के से रोस्ट कर लेंगे जब तक हल्के से गोल्डन मार्क्स ना आ जाए इस पे। अगर आप कोकोनट ज़्यादा पसंद करते हो तो आप इक्वल अमाउंट में भी इसे ले सकते हैं, मगर यहाँ पे मैंने 1/2 अमाउंट में रखा हुआ है। सो आप देख सकते हैं कि इस पे अच्छे से अभी गोल्डन मार्क्स आ चुके हैं। अब इस पॉइंट पे हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे और इसे थोड़ा ठंडा होने दे देंगे। और अभी सेम कढ़ाई में यहाँ पे मैंने थोड़ा घी डाल लिया है, अराउंड 1 कप। और अभी हम इसमें हमारे जो ड्राई फ्रूट्स इसमें हम ऐड करने वाले हैं वो इसमें अच्छे से फ्राई कर लेंगे। सो अभी जो घी है वो गर्म हो चुका है, मीडियम फ्लेम पे ही हमें रखना है। सो यहाँ पे सबसे पहले मैंने लिया हुआ है 1 कप, इतना अराउंड 200 ग्राम्स ये आलमंड्स है, ये मैंने यहाँ पे फ्राई कर लूँगी मैं। हमें इसे ज़्यादा आंच नहीं देनी है, मीडियम आंच पे अच्छे से हमें इसे भून लेना है, अदरवाइज इसका जो टेक्सचर है बाहर से डार्क हो जाएगा और अंदर से थोड़ा सा कच्चापन लगेगा, हमें इसे क्रंची करना है। सो आप देख सकते हैं बस इस स्टेज पे थोड़ा सा ब्राउन हो जाइए, इस स्टेज पे हमें बाहर निकाल लेना है प्लेट में और फिर सेम घी में हम इसमें डालेंगे 50 ग्राम इतने अखरोट। अब जो ड्राई फ्रूट की क्वांटिटी है वो आपके हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पे अभी मेरे पास वॉलनट्स इतने ही थे इसलिए मैंने इतने ही डाल लिए हैं इसमें, और आप जो भी चाहे आप उसमें ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं। सो इसे भी हल्के आंच पे हम अच्छी तरीके से फ्राई कर लेंगे जब तक कि थोड़े से क्रंची ना हो जाए। तो चलिए, अभी जो हमारे वॉलनट्स थे वो भी हो चुके हैं, अभी इसी इसमें हम डालेंगे इसमें 200 ग्राम काजू। सो इसे भी हमें लो फ्लेम पे ही रोस्ट कर लेना है अच्छी तरीके से, हल्के से पिंकिश हो जाए ये, बस उतना ही हमें इसे फ्राई कर लेना है, क्योंकि जो काजू है वो बहुत जल्दी फ्राई हो जाते हैं और इनका टेक्सचर फट से चेंज हो जाता है। बस इसी मोमेंट पे हम इसे बाहर निकाल लेंगे। और इसके बाद हमने यहाँ पे लिया हुआ है मखाना। सो यहाँ पे मैंने एक मीडियम साइज बाउल का मखाना ले लिया हुआ है और हम इसे हल्के गोल्डनिश होने तक इसे फ्राई कर लेंगे। तो जो फ्राई करने के बाद ये अच्छे खासे क्रंची हो जाते हैं और बस प्लेट में निकाल के इसे थोड़ा ठंडा कर लेंगे। और इसके बाद हम जितने भी ये ड्राई फ्रूट्स और मखाना है इसे हम रफली ग्राइंड कर लेंगे। अगर आप चाहिए तो पूरी तरीके से पाउडर भी कर सकते हैं, मगर थोड़ा रफली हम करें तो ये टेक्स्चर में भी और खाने में भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले कोकोनट था उसे थोड़ा सा ग्राइंड कर लिया था और उसके बाद मैंने यहाँ पे मखाना ग्राइंड करके ये मैंने इसमें अभी ऐड कर रही हूँ। इसके बाद हम ऐड करेंगे इसमें आलमंड। मैंने जितने भी ड्राई फ्रूट्स हैं मैंने सब अलग अलग तरीके से मैंने ग्राइंड किया है, क्योंकि किसी इसको ज़्यादा टाइम लगता है ग्राइंड होने और कोई जल्दी हो जाता है, इसके लिए सेफ साइड ये ज़्यादा अच्छा रहता है कि हम अलग तरीके से कर लें। और इसके बाद जो वॉलनट है और जो काजू है वो बहुत जल्दी ग्राइंड हो जाते हैं, इसलिए मैंने दोनों साथ में ही ले लिए हैं और बस इसको भी इस तरीके से
रफली मैंने ग्राइंड कर लिया है और अब हम इसमें ऐड कर लेंगे सब कुछ। और अभी इसके बाद हम इसमें डालेंगे अराउंड 2 टेबलस्पून इतनी इलायची पाउडर। तो यहाँ पे मैंने इलायची ले ली है छिलके और इसको मैं पाउडर बना के इसमें ऐड कर लूंगी। तो अभी दूसरी तरफ हम चलते हैं। यहाँ पे एक पैन में हम यहाँ पे ले लेंगे गुड़। मैंने यहाँ पे गुड़ की पाउडर ली हुई है। सो ये अराउंड मैंने 350 ग्राम यानी कि 1.5 कप इतना गुड़ ले लिया है यहाँ पर। अब जो मिठास है इसकी आपके हिसाब से कम या ज़्यादा थोड़ा कर सकते हैं। और हम इसमें इतना ही पानी ऐड करेंगे जिसमें ये थोड़ा सा डिजोल्व हो जाए। सो यहाँ पे मैंने 1 कप पानी लिया है मगर स्मॉल स्मॉल बैचेस में मैं इसमें ऐड करूँगी। और अराउंड यहाँ पे मुझे सिर्फ 1/2 कप से भी थोड़ा सा कम मैंने यहाँ पे पानी डाला हुआ है और ये विद इन 2 to 3 मिनट्स डिजोल्व हो जाता है अच्छी तरीके से। सो बस हमें इसे इतना ही बॉईल कर लेना है जिसमें ये अच्छी तरीके से घुल जाए गुड़। तो आप देख सकते हैं ये अच्छी तरीके से जितने भी लम्स थे वो निकल चुके हैं। बस अभी हम जो गैस की फ्लेम है वो ऑफ करेंगे और जो हमारा ये मिक्सचर है इसे पहले अच्छी तरीके से हाथ से मसल लेंगे। पूरा हमें अच्छी तरीके से मर्ज कर लेना है इसे हमारे आटे के साथ। और जब सारे ड्राई फ्रूट्स और आटा अच्छे से मिक्स हो जाए इसके बाद ही हमें इसमें ऐड करना है जो हमारा गुड़ का पानी है। सो गुड़ का जो पानी किया है हमने उसे भी हम पूरा एक साथ नहीं डालना है, बस स्मॉल स्मॉल बैचेस में हम डाल लेंगे इसमें, जिससे कि हमें अच्छी तरह से आइडिया आ जाए कि कितने से इसमें अच्छे से लड्डू बन रहे हैं। सो यहाँ पे मैंने पहले 4 स्पून इतना गुड़ डाल लिया है इसमें गुड़ का पानी। और फिर ये जो घी का हाथ मैंने लिया हुआ है ये सेम घी है जिसमें हमने ड्राई फ्रूट्स फ्राई किए हुए थे। बस अभी हम देखिए इस तरीके से मैंने स्मॉल स्मॉल बैचेस में ही गुड़ जो है ऐड किया है और इस तरीके से मैं अभी इसे घी का हाथ लेके अच्छे से हल्के हाथ से दबाना है हमें इसे और लड्डू का शेप दे देना है। सो स्मॉल स्मॉल बैचेस में डालने से गुड़ को हमारा जो आटा है मिक्सचर है जो वो बिल्कुल भी पतला नहीं होगा और हमें अच्छी तरीके से आइडिया आ जाएगी कि कितने इसमें हमारा अच्छे से बन रहा है लड्डू। तो आप देख सकते हैं 1 by 1 में इस तरीके से थोड़ा थोड़ा सा गुड़ मिला के ही इसको पूरा लड्डू बांधते जा रही हूँ। बस आप देख सकते हो कितने इजीली ये बनते हैं और ये काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग नहीं रहता है। सिर्फ इसमें टाइम कंज्यूमिंग रहता है कि हमें आटा जो है वो अच्छी तरीके से भून लेना है, इसके बाद ये बहुत जल्दी बन जाते हैं। देख सकते हैं ये जो लड्डू है ये ऑलमोस्ट अभी मेरे पूरे हो गए हैं और जो गुड़ का पानी है वो मेरा थोड़ा सा ही इसमें बचा हुआ था, बाकी सब यूज हो चुका था। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे ऑलमोस्ट 2 प्लेट्स मैंने यहाँ पे लड्डू बन चुके हैं 1/2 kg के। इसमें ये ऑलमोस्ट 30 लड्डू बने हुए मेरे और ये मैंने मीडियम साइज के बनाए हुए है। और आप इसे स्टोर कीजिए फ्रिज में क्योंकि हमने इसमें वाटर यूज़ किया हुआ है जैगरी के इसमें। सो इसे बाहर रखना थोड़ा सा इसका जो शेल्फ लाइफ है वो कम कर देगा और ये फ्रिज में ये आराम से 1 से 2 महीने आराम से रह जाएंगे। सो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो इसे प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।